वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अब सत्यमेव जयते कहने वाले प्रशासन भी लेते हैं झूठ बोलने का सहारा। जिस खाकी को सत्य का प्रतीक माना जाता है वो खाकी भी अब लेते हैं झूठ का सहारा। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। ब्लड डोनेशन के नाम पर पुलिस की नौटंकी। मधेपुरा में सारे सिपाही BP और शुगर के मरीज निकले, SP भी नहीं कर पाए रक्तदान। पुलिस सप्ताह के आखिरी दिन मधेपुरा में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, लेकिन रक्तदान शिविर में जो हुआ उसे आप पुलिस की नौटंकी ही कहेंगे। दरअसल सिंहेश्वर स्थित पुलिस लाइन में रेड क्रॉस सोसाइटी की सहभागिता से रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें सार्जेंट महेश नारायण ने दावा किया कि जिले में 5 पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया है, लेकिन जब ब्लड बैंक प्रभारी राजकुमार ने खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। पुलिस वालों ने महादान के नाम पर महामजाक बनाकर रख दिया, क्योंकि ब्लड बैंक प्रभारी ने कहा कि सार्जेंट का दावा झूठा है। ब्लड डोनेशन कैंप में 5 नहीं बल्कि मात्र 1 ही सिपाही ने रक्तदान किया। दिन दहाड़े दुकानदार की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा जिले से सामने आ रही यह खबर, जहां अज्ञात अपराधियों ने दुकान में बैठे दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जब घटनास्थल पर आकर देखा तो खून से लथपथ दुकानदार जमीन पर पड़ा हुआ था। लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार में जमीन हड़पने वाले हो जाएं सावधान, कड़ी कार्रवाई करेगी नीतीश सरकार। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कड़ी चेतावनी दी है। शहनवाज ने कहा है कि बियाड में नाम पर जमीन लेने वाले पर बिहार सरकार कड़ी कार्रवाई करने वाली है। उद्योग मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बियाड़ा की जमीन हड़पने वाले के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। नालंदा में दिन दहाड़े LIC अधिकारी की हत्या, LGP नेता पर मर्डर का आरोप। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से उछाल मार रही है। आए दिन अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकलते जा रहे हैं। ताजा मामला नालंदा जिले का है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक LIC अधिकारी की हत्या कर दी है। नालंदा पुलिस इस घटना की छानबीन में जुट गई है। सीतामढ़ी एनकाउंटर मामले में थानेदार की भूमिका संदिग्ध, CCTV फुटेज आया सामने। मेजरगंज थाना क्षेत्र के कोवारी मदन में हुए मुठभेड़ मामले में एक CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज के सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यह फुटेज घटना के दिन सुबह 10 बजे की बताई जा रही है, जिसे देख साफ पता चल रहा है कि शहीद दरोगा दिनेश राम और चौकीदार लाल बाबू पासवान पहली बाइक पर बैठ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी बाइक पर राजा अहमद और चौकीदार बैठे हुए हैं। जब सभी रेड के लिए निकल रहे होते हैं, तभी 1 मिनट बाद मेजरगंज थाना की गाड़ी उनके पीछे नजर आती है। ऐसे में CCTV फुटेज से कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में मेजरगंज थाने की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। पटना में सड़क पर हुई मौत, इलाके में फैल गई है सनसनी। खबर पटना सिटी इलाके से सामने आ रही है, जहां माल सलामी थाना इलाके के मारूफगंज मंडी के पास एक व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई है। सड़क पर पड़ी लाश को देखते हुए पूरे इलाके में सुबह सुबह सनसनी फैल गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। बिहार में अब विधायकों और विधान पार्षद को लगेगा कोरोना का टीका, विधानमंडल में कल से होगी शुरुआत।
बिहार में अब माननीयों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। विधायकों और विधान पार्षदों को कोरोना वायरस का टीका दिए जाने का काम कल यानी 1 मार्च से शुरू होने वाला है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए पहल की है और अब बिहार सरकार कल से बिहार विधानसभा परिषद के माननीयों को टीका देने का काम शुरू करने वाली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रयत्न अमृत समेत बिहार के 1.5 दर्जन IAS ऑब्जर्वर बनाए गए। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। होली से पहले बिहारी यात्रियों को बड़ा झटका। संपूर्ण क्रांति और विक्रमशिला समेत दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। होली का पर्व आने वाला है और इस पर्व से ठीक पहले बिहार के यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मध्य रेल ने बिहार से दिल्ली आने जाने वाली, वहां से लौट कर आने वाली कई प्रमुख स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उन्हें संपूर्ण क्रांति स्पेशल और विक्रमशिला स्पेशल एक्सप्रेस जैसे कई बड़े ट्रेन के नाम भी शामिल हैं। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2,100 रूपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।